हरियाणा की होड़ सीट करनाल लोकसभा सीट पर वोटिंग प्रक्रिया सुबह 7 बजे से ही शुरू हो गई थी। ये शाम 6 बजे तक चलेगी। पानीपत जिले में 9 बजे तक इसराना विधानसभा सीट पर 14%, पानीपत ग्रामीण विधानसभा सीट पर 12%, पानीपत शहरी विधानसभा सीट 8.70%, समालखा विधानसभा सीट पर 8.20% मतदान हो चुका है। वहीं जिले के बड़े बड़े दिग्गज नेता भी अपने मत का प्रयोग करने आ रहे हैं। करनाल लोकसभा सीट से जेजेपी प्रत्याशी देवेंद्र कादियान ने भी अपने पैतृक गांव सिवा में परिवार सहित मतदान किया। वहीं पानीपत शहरी विधानसभा से विधायक प्रमोद विज ने भी अपने बेटे के साथ मतदान किया। राज्यसभा सांसद कृष्णलाल पंवार ने भी मतलोड़ा में मतदान किया और राज्य मंत्री महिपाल ढांडा ने भी एल्टिको में अपने मत का प्रयोग किया। वहीं पानीपत शहरी विधानसभा सीट से विधायक प्रमोद विज ने कहा कि ये लोकतंत्र का महापर्व है और ये पर्व हर 5 साल बाद आता है। पानीपत के लोगों में चुनाव का बड़ा उत्साह है और महिलाएं बुजुर्ग सभी बढ़ चढ़कर वोट डाल रहे हैं। 92 साल के बुजुर्ग ने भी मतदान केंद्र पर आकर अपने मत का प्रयोग किया और उन्हें पूरी उम्मीद है कि इस बार साफ छवि के उनके भाजपा के प्रत्याशी मनोहर लाल भारी मतों से विजयी होंगे। और सुबह उन्होंने भी अपने बूथ मॉडल टाउन में अपने बेटे के साथ जाकर लाइन में लगकर वोट किया, क्योंकि आज के दिन कोई भी वीआईपी नहीं है, सभी एक समान हैं। उन्होंने खुद भी 40 मिनट लाइन में लगकर अपने मत का प्रयोग किया। लोगों से उनकी अपील है कि वो बढ़ चढ़कर अपने मत का उपयोग करें। सभी साथियों को जय श्री राम। और पोलिंग बूथ पर हमने देखा कि वोट अच्छी तरह से डल रहे हैं, शांतिपूर्वक काम हो रहा है, सभी लोग अच्छी तरह से काम कर रहे हैं और राम कृपा से सभी काम अच्छे हैं। कहते हैं कि जय श्री राम बनेंगे काम होगी जय जयकार, और अब की बार 400 पार है सब किसी को, लेकिन ये है कि अच्छा रहेगा। आज लोगों उत्साह भी देखा जा रहा है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सुबह से ही लगे हुए हैं और व्यवस्था अच्छी है यहाँ की। कहाँ से आए, क्या नाम है? मैं महेंद्र शर्मा और तहसील काम पटेल नगर से। चुनाव को लेकर लोग काफी उत्साहित हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं काफी लोग लाइंस में लगे हुए हैं। तो मैं इसमें एक अपडेट भी करना चाहता हूँ, आप लोगों से आग्रह भी करना चाहता हूँ मीडिया के थ्रू। ये एक वोटर इन क्यू ऐप है, EQMS हरियाणा में कुछ बूथ्स के लिए अवेलेबल है। उसमें आप ये जानकारी ले सकते हैं कि आपके मेल जो लाइन में लगे हुए हैं, मतलब आदमी कितने लोग लाइन में लगे हुए हैं और औरतें कितनी लोग लाइन में लगे, तो इस हिसाब से वो घर बैठे देख सकते हैं कि लाइन में कितने लोग हैं और जब वो लाइन फ्री हो या कम लोग हों तो उसमें अपना वोट आके दे सकते हैं। तो ये आपसे आग्रह है कि आप इसको मीडिया के थ्रू लोगों तक पहुँचे। लोग लाइन में लगे हैं, पहले से पहले बढ़कर दिख रहा है? बहुत उत्साह, काफ़ी उत्साहित है। मैंने काफ़ी फिजिकली हैंडीकैप्ड लोगों को भी देखा हुआ है, जो मतलब ठीक से चल नहीं पा रहे हैं वो भी बड़े उत्साहित होके वोट देना है। उनके लिए सहयोग है, काफ़ी हेल्पर्स हैं उनको ले जाने में और लाने में, और उनको बार बार दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं कि उनको वोट कैसे देना है। पानी चाय सब चीज़ों की बिल्कुल पूरी व्यवस्था है। हम लोगों ने यहाँ पे आके चेक भी किया है, तो यहाँ पूरे बूथ पे सभी चीज़ों की बराबर व्यवस्था है। प्रदीप सिंह। लोगों में भारी उत्साह है। आप देखिए, यह महापर्व है हमारा, ये लोकतंत्र का हर 5 साल बाद महापर्व आता है। और पानीपत में आप देखेंगे भारी उत्साह के साथ बड़ी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। अभी हमने मॉडर्न साइड के लगभग 18 बूथ देख के आया है, बहुत बड़ी बड़ी लाइनें हैं। और एक बात और भी है, जो पहले और वोटर है उनमें बड़ा उत्साह है वोट देने का, महिलाएं बच्चे सब लोग। और मैं एक बात जानता हूं कि लगभग मुझे ये उम्मीद है कि आज की जो पोलिंग है, क्योंकि सरकार ने एक बहुत इलेक्शन कमीशन अच्छा काम किया कि ताकि लोग अपने वोट का उपयोग करें, इसके लिए आज छुट्टी की हुई, बाजार बंद है, छुट्टी हर जगह, फैक्ट्रियाँ बंद है, तो लोग बड़ी भारी संख्या में आए। और आप देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी में ये उम्मीद करता हूँ मनोहर लाल जी जो साफ छवि के हमारे मालिक हैं, एक बहुत भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं। आपने किया वोट किस टाइम? अरे कौन से बूथ पे आपका वोट था किस टाइम? मेरे बूथ नंबर 112 के ऊपर वोट था, जो सुबह मैंने पोल करने गया, लगभग मुझे 40 मिनट लगे लाइन में हमने खड़े होकर पोल किया। ये नहीं कि प्रोटोकॉल तोड़ के हम आगे जाए, ये लोकतंत्र है भैया, आज के दिन तो सब एक समान है, सभी नागरिक एक समान है। तो पोल करके आया, मेरे साथ मेरा बेटा भी था राहुल भी,
और वहाँ पोल किया हमने। किस तरह की अपील करेंगे आप? मेरी जनता से एक ही अपील है कि इलेक्शन कमीशन ने बहुत अच्छे इंतजाम किए हुए हैं, हर जगह पानी की व्यवस्था है, छाया की व्यवस्था है, लोग अपने मत का उपयोग जरूर करें, लोकतंत्र भागीदारी उनकी होनी चाहिए, कैसी सरकार वो चाहते हैं, ताकि भारत निर्माण की दिशा में उनका ये सहयोग सबसे बड़ा है कि अपने मत का उपयोग करें। बहुत ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।